नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए यहाँ पर जर्नल अवॉर्नेंस यानी कि समसामयिक घटनाक्रम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। ये आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होने वाले इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ओके, तो आप लोग इस सिर्फ वीडियो को देखें ना, इन सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। यदि आप लोग नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट करते हुए चलिए। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, बात करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया। ओके, 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए यहाँ पर किसे चयनित किया गया, क्या आप लोग जानते हैं? फिलहाल आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है ये है ए और बी दोनों, ठीक है, यानी कि नाडिया मुराद और यहाँ पर दिया गया है बी वाले में डेनिस मुकवेगे। तो इन दोनों को ही जो है 2018 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वर्ष 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कांगो के डॉक्टर मुकवेगे और यजीदी दुष्कर्मा पीड़िता नादिया मुराद को चुना गया है। ओके, नादिया और डेनिस दोनों ने ही अपने जीवन में यौन हिंसा पीड़ितों के लिए बहुत काम किया है। नादिया तो कई साल तक आईएस का बंधक भी रही हैं। नादिया मुराद इराक की यजीदी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और उनका जन्म इराक के कोजो में 1993 में हुआ था। 21 साल की उम्र में ही उन्हें आईएसआईएस ने अगवा करके 3 सालों तक बंधक बनाकर रखा था और कैद से छूटने के बाद मुराद ने नादिया अभियान की स्थापना की और यह संस्था नरसंहार, सामूहिक अत्याचार और मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों और महिलाओं की मदद करती है। और इधर दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर डेनिस मुकेगे कांगो में कार्यरत एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 30,000 से ज़्यादा बलात्कार पीड़ितों का इलाज किया है। डेनिस का जन्म 1 मार्च 1995 को पेंटोकॉस्टल मंत्री के घर हुआ है और 9 भाई बहनों में वह तीसरे नंबर के हैं और वह 18 घंटों के दौरान लगभग 10 बलात्कार पीड़ितों की सर्जरी भी किया करते थे। चलिए दोस्तों, उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया गया। हाल ही में सरकार द्वारा यात्री के चेहरे और बायोमेट्रिक से एयरपोर्ट पर एंट्री करने की सुविधा जारी की गई है, तो क्या आप लोग जानते हैं कि सुविधा का नाम क्या है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस सुविधा का नाम है डिजी यात्रा, ठीक है, सुविधा का नाम है डिजी यात्रा। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाली बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सेवा यानी कि डिजी यात्रा की नीति जारी कर दी है। अब यात्री के चेहरे और बायोमेट्रिक से एयरपोर्ट पर एंट्री कर सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को आधार और पासपोर्ट के जरिए ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होगा और ये पूरी तरह यात्रियों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर यात्री चाहेगा तभी उसके चेहरे का उपयोग होगा। इससे अब यात्रियों को बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होगी। ओके, बहुत ही अच्छी है। फिलहाल इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इस सुविधा का नाम है डिजी यात्रा। तो एविएशन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि आगे जाकर चेहरा बोर्डिंग कार्ड बन जाएगा और सबसे पहले इसको वाराणसी, विजयवाड़ा, पुणे और कोलकाता 6 महीने में शुरू किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर के एयरपोर्ट में भी इसे शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका। भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए कितने राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है $5 अरब यानी कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए। ओके, तो अमेरिका के प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री हमारे सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का समझौता किया। और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, यहाँ पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-300 का अपडेटेड वर्जन है और आपको बता दें कि यह जो है 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और यहाँ पर 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों को भी ख़त्म कर देगा। ओके, और डिफेंस सिस्टम की एक तरह की मिसाइल सेट की तरह एक काम करेगा जो पाकिस्तान और चीन के एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को सुरक्षा देगा। यह सिस्टम एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकता है। ओके, तो यह सिस्टम जो एक बार में यहाँ पर 72 मिसाइलें दाग सकता है, यह सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी गिरा सकता है। वही 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। चीन के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा जाने वाला भारत यहाँ पर दूसरा देश है। भारत रूस के बीच डील फाइनल होने के बाद अमेरिका ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने का मकसद भारत समेत
अपने अन्य सहयोगियों और साझेदारों की सैन्य क्षमता को कमजोर करना नहीं है। ये प्रतिबंध सिर्फ रूस को दंडित करने के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कैसे काम करता है यह आपका S-400 प्रणाली, कैसे ये सिस्टम काम करता है। देखिए, लंबी दूरी की निगरानी रडार दुश्मन की ओर से दागी गई मिसाइलों पर नज़र रखता है ये, और कमांड जो है इसकी वाहन को इसकी जानकारी देता है। निशाने की पहचान पुख्ता होने के बाद कमांड वाहन को से मिसाइल यहाँ पर लॉन्च की जाती है। लॉन्च डेटा सबसे सटीक जगह पर मौजूद लॉन्च वाहन को भेजा जाता है और वो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागता है। दुश्मन के मिसाइल पर दोस्तों यहाँ पर जो नज़र रख रही है जो है एंगेजमेंट रडार होती है, तो इस मिसाइल को निशाने की ओर निर्देशित करता है। और देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ ही बता दें, यहाँ पर कुल 8 समझौते किए गए, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल दोस्तों ये मैं PDF फाइल में आपको दे दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये 8 समझौते भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन मुझे और भी डिस्कस करने हैं आप लोग के साथ। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रामन लागोर्ता को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये है PepsiCo। ओके, इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर आपको बताया 3 अक्टूबर 2018 को रामन लागोर्ता ने PepsiCo के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो इन्होंने कार्यभार संभाला है। और रामन लागोर्ता भारत में पैदा हुए इंद्र न्यूए के स्थान पर आए, और इंद्र न्यूए 12 साल तक PepsiCo के CEO थे। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस तरीके से सारे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं वो उनको मिल जाएँ। ओके चलिए फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय मूल की किस अधिकारी को हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी परमाणु विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हैं रीता वरनवाल जी। मैंने क्वेश्चन पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था, अगर आप लोग हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं होंगे। ओके, तो रीता वरनवाल जो है यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा मंत्रालय के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक न्यूक्लियर एक्सपर्ट रीता वरनवाल को नियुक्त करने का निर्णय किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पे? तो ये हैं आप लोग के मदन भीमराव लोकुर जी। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर अब राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। उन्होंने जो है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की जगह ली है। तो दोस्तों ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और 64 साल के हो चुके हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं हमारा आज का जो 7th क्वेश्चन आपको दिया गया है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? क्या आप लोग जानते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट है इसका नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाया गया दोस्तों, इनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। उन्होंने 5 अक्टूबर को ये चीफ जस्टिस की शपथ धारण ली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव 2018 उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लखनऊ में, और इसकी जो थीम थी, ठीक है, तो बदलाव के लिए विज्ञान यानी कि साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी थीम आप लोग ध्यान रखें कि इसकी थीम थी साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव 2018 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 5 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था, और यह सम्मेलन 4 दिनों तक चला, और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो था हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया था, और 10,000 से अधिक इसमें प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद देखिए, और पिछले साल दोस्तों ये जो था इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय उत्सव जो कि इस बार उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित हुआ, ये पिछले बार दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पिछली बार दोस्तों ये जो इसका आयोजन हुआ था ये चेन्नई में किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या है। हिग्स बोसान कण को द गॉड पार्टिकल का नाम देने वाले किस नोबेल पुरस्कार विजेता का अभी 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? ओके, तो फिलहाल दोस्तों इसका राइट आंसर ये है लियोन लीडरमैन। ओके, तो हिग्स बोसान कण को द गॉड पार्टिकल का नाम देने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लियोन लीडरमैन 96 वर्ष में इनका निधन हो गया। और लीडरमैन को 1988 में अधिक ऊर्जा वाले एक्सलेटर की मदद से आपके न्यूट्रिनोज की बीम बनाने और न्यूट्रिनो के नए प्रकार जैसे कि म्यूऑन न्यूट्रिनो के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। ओके चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में आप लोगों को क्या दिया गया है। 36वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है, जो 36वां राष्ट्रीय खेल
जो कि 14 अप्रैल 2019 को ये कहाँ आयोजित होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप लोग का ये 36वां राष्ट्रीय खेल है, ये 30 मार्च से 14 अप्रैल 2019 तक गोवा में आयोजित होगा। और इसकी घोषणा जो अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने की है, तो 36वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन और उसका समापन समारोह गोवा के फतोर्दा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। और इस खेल का साइकिलिंग और शूटिंग इवेंट नई दिल्ली में आयोजित होगा। इन दोनों इवेंट के लिए गोवा में फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल पहली बार 1924 में आयोजित हुआ था, आपको यहाँ पर बता दें, ये भी साथ ही साथ में आप लोग याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य 1924 पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन करना था। शुरू में इस खेलों को भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था, 1940 में इसका नाम बदल दिया गया। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में क्या दिया गया है। भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी के सुधार के लिए $110 मिलियन ऋण का समझौता किया है? तो फिलहाल दोस्तों इसका राइट आंसर है आप लोगों का मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों के कौन से आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? तो फिलहाल ये भी है आप लोग का अल्फोशो, ठीक है, अल्फोशो है। इसके बाद देखिए बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि हमारे दोस्तों अपने इंडिया में जो है शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 अक्टूबर। और इसकी थीम जो थी ये थी शिक्षा का अधिकार एक योग्य शिक्षक का अधिकार है। द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू अ क्वालिफाइड टीचर, दैट्स राइट। ओके चलिए देखिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। थम्पी कन्नथम, ठीक है, थम्पी कन्नथम का जो है हाल ही में भी निधन हो गया, ये किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हुए थे? तो आप लोग जानते हैं जैसे कि यहाँ पर ये जुड़े थे मलयालम से। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2018 की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर आया? तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2018 की सूची में नाम रहा है इनका मुकेश अंबानी का। और मुकेश अंबानी लगातार 11वें साल सबसे अमीर भारतीय का नाम इनका दिया गया। विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेम जी यहाँ पर दूसरी पोजिशन पर हैं और आरसेलर मित्तल के चेयरमैन के CEO लक्ष्मी मित्तल यहाँ पर तीसरे स्थान पर हैं और हिंदुजा भाइयों ने चौथी पोजिशन पर कब्जा की है और पलोनजी मिस्त्री ने जो है यहाँ पर 5वां स्थान धारण किया। तो पहले नंबर पर फिलहाल मुकेश अंबानी अभी तक 11 साल में लगातार अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं हमारा यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पशु दिवस ये कब मनाया जाता है क्या आप लोग जानते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है 4 अक्टूबर। चलिए इसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन क्या है। भारतीय रेलवे ने पहले चरण में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के 140 रैक को अपग्रेड करने के लिए अपनी कौन सी परियोजना लॉन्च की थी? तो ये परियोजना लॉन्च की थी दोस्तों यहाँ पर उत्कृष्ट, ठीक है। 2 अक्टूबर 2018 को भारतीय रेलवे के पहले चरण में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के 140 रैक को अपग्रेड करने के लिए अपनी परियोजना उत्कृष्ट उन्होंने लॉन्च की। और परियोजना के लक्ष्य जैसे कि निम्नलिखित है, जैसे कि स्वच्छ रेल शौचालय स्थापित करना, ऊर्जा कुल जो है यहाँ पर LED जो है रोशनी की फिटिंग, जैसे कि मुख्य इंजीनियरिंग दरवाज़ा गेटवे और अंदरूनी शौचालय में ये सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। ओके तो इस तरीके से फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा 18 क्वेश्चन क्या है। 3 अक्टूबर 2018 को जो है यहाँ पर किसने और भारत के बीच, कौन सा ऐसा देश और भारत के बीच जो है संयुक्त अभ्यास सहयोग हॉप टैंक 2018 चेन्नई तट से शुरू किया गया? फिलहाल ये देश है वियतनाम। तो दोस्तों इस द्विपक्षीय अभ्यास में वियतनाम तटरक्षक जहाज CSB 8001 ने इसमें पहली बार भाग लिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के स्वामित्व वाले एक जहाज सागर मंजूषा और भारतीय तटरक्षक के जहाजों ने भी इसमें भाग लिया है। और यह अभ्यास जो है समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों तट गार्ड के बीच सहयोग को बढ़ाता है। चलिए इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दे रखा है। यहाँ पर UNSCR शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किसको 2018 नैनशेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये महान व्यक्ति हैं फिलहाल डॉक्टर इवान अटार अदाहा। इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देखिए आपके एग्जाम में जो है मोस्टली जो है राइटर पूछे जाते हैं, बुक्स पूछी जाती हैं और वो मोस्टली जो है आप लोग की जर्नल रेफरेंस करंट से रिलेटेड पूछी जाती हैं कि हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी गई, उसके रचयिता कौन है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया पायजामा आर फॉर गिविंग, ठीक है, पायजामा आर फॉर गिविंग, इस किताब के लेखिका का नाम क्या है जिनका भी जिन्हें जो है भी जिसे जो है हाल ही में लॉन्च किया गया? ओके तो ये है फिलहाल ट्विंकल खन्ना।
तो पैजामा आर फॉर गिविंग ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई है, और यह जो है जुगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है, और यह ट्विंकल खन्ना का पहला उपन्यास है। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज की हमारे इस लेटेस्ट जो है जनरल अवॉर्डेंस में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए मैंने उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। साथ ही दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए कौन कौन से बुक बेस्ट रहेंगे, चाहे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, हिंदी हो गई, तो इनके लिए कौन कौन से बुक बेस्ट रहेंगे, तो मैंने सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। साथ ही UP की बुक भी मैंने आपको सजेस्ट कर रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया। ओके, बाकी कोई कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हैं, ठीक है, उसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो जल्दी मिलेगी, ठीक है, तो आप लोग अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताई कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ इसी तरह की कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSET की क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार।